कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। बिल्कुल नहीं, कब तक होगा था? हड़, बिल्कुल खोता है। जब देखो मेरे को खोता कहता रहता है। अरे खोता है तो घोड़ा कैसे कहूं? फिर खोता कहा? हमेशा लड़ते हुए ही क्यों कदम रखते हो घर में? और सतबीर, इसका तो क्लब में शाम का ही काम है, तू क्यों आया देर से? मेरे को जेबी के साथ क्लब जाना पड़ गया। रोज रोज क्लब, तेरे लिए इस जेबी की सोबत अच्छी नहीं है, सुना? माता जी आप तो हद करते हो, मालिक की सोबत मिलना तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जेबी बड़ा खुश है इससे, आज उसने इसे अपनी घड़ी पहना दी, मगर इस खोते ने ना खुद ली ना मुझे लेने दी। फिर खोता का? मैंने तो यही कहना हुआ, पाता है मगर खोता है, रख लेता गाड़ी। नशे में दी हुई चीज क्यों रख लेता? वो तेरे को नशे में नजर आ रहा था? इतनी बड़ी बोतल पी छोड़ी थी अगले ने, फिर भी नशे में नहीं था वो तेरे लिए? वो बोतल बियर की थी, उस जैसे बंदों को एक बोतल बियर से कुछ नहीं होता। खोते? फिर खोता का? माता जी देख लो, फिर खोता का? तेरी वजह से जेबी के पिताजी खफा है मेरे से। लाला वृषमन खफा है तेरे से? हाँ जी। क्यों? माता जी जिस बंदे से इसने झूठ बोलकर आपके बारे में कंगे बिकवाए थे ना, वही लाला वृषमन निकला। अरे हाँ जी, वो तो जेबी ने जिद की, वरना लाला जी तो मुझे नौकरी पर रख ही नहीं रहे थे। माता जी मैंने तेरे लिए, ये तो खुशकिस्मती की बात है कि बाप और बेटे में बिल्कुल नहीं बनती। बाप को खफा करेगा बेटा खुश होगा, आने वाला जमाना तो बेटे का है। पुत्र बस एक साथी तो अपने पिताजी के कहे असूलों पर चलता है, इसे गुमराह मत कर। गुमराह नहीं करा जी, बस आगाह कर रहा हूँ कि ये इंसानों की दुनिया है, फरिश्तों की नहीं। माता जी ये कहीं सचमुच फरिश्ता है तो नहीं? बचपन में सुना था कोई परी दे गई थी इसे। ये परी वाली बात क्या है माता जी? लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। लोगों का क्या, जो जी में आए कह देते हैं। कल ही परजाई जी के माता जी कह रहे थे कि तू रोशन से फर्क तरह का इस करके है क्योंकि असली में तू उसका भाई नहीं है। समधन जी भी पता नहीं क्यों मेरे से इतनी दुश्मनी रखती है, एक पुत्र को तो कर ही दिया मेरे से अलग। लेकिन माता जी क्या ये सब सच है, मैं आपका पुत्र नहीं? ना पुत्र ना, तू तो मेरे वास्ते पुत्र से भी बढ़कर है। पुत्र से भी बढ़कर? इसका मतलब ये हुआ पुत्र नहीं? अगर तूने इस तरह की बातें करनी है तो मैंने भी तेरे को वही कहना है जो रोशन कह रहा था। क्या? खोता। बीमारी भी सुसरी ऐसी लग गई है कि डॉक्टर आप हैरान हो चले हैं, कहते हैं माता जी कुछ पता ही नहीं चलता। अरे मैं तो मरी जा रही हूँ और इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। बहन जी अगर आप बीमार हो तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कोने में चुपचाप पड़ी रहा करो, मेरे पुत्रों को उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ाया करो। अब क्या कसूर हो गया है मुझ बेकसूर से, किस पुत्र को क्या कह दिया है मैंने? अब छोड़ो भी, कोई बात हो तो पकड़ो ना। पहले तो मेरे को डॉक्टर के पास ही नहीं ले गए, मेरे को आप जाना पड़ा घिसटते लंगड़ाते। अरे अब लौटने पर आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, दिल नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है जमाने में। इसका मलाल आप क्यों करते हो, दिल नाम की कोई चीज तो आपके पास कभी थी ही नहीं। कह लो जमीन पे तो गिरा ही दिया है जमाने ने, अब तो लात तुम भी जमा लो लाचार बीमार जनानी के। लाचार तो हमारे माताजी हैं जिन्हें आपके नखरे झेलना पड़ते हैं। बीमार जनानी थोड़ा सा आराम कर ले तो उसे भी ये लोग नखरा कहते हैं। पहले खाना खा लो फिर आराम कर लेना। आराम तो करने आई है, यहाँ काम करना होता तो उस जनानी क्या नहीं रहते तो दो वक्त की रोटी और एक दुआनी देकर घर का सारा काम करवाती थी। रोशन तू चुप कर पुत्र। तो बहन जी परोसू? बहन जी मेरे वास्ते आज पूरी सब्जी नहीं बनाई। आप हुक्म करो पैसे दो तो मलाई के लड्डू भी ले आए। पैसे मेरे पास होते तो आज मेरी ये हालत होती? तो माता जी भी कहां से लाएं पैसे आपको चाय पिलाने और पूरी खिलाने के वास्ते? आप भी हमारे माता जी की तरह नौकरी करने लग पड़ो, फिर अपनी कमाई के पैसे से खूब पूरी मलाई खाओ मजे से। मायके में भी नौकर थे ससुराल में भी थे, कभी किया ही नहीं घर का काम।
यहाँ आने से पहले आप उस जनानी के यहाँ क्या करते थे? बंदे को अपनी बात तक नहीं कहने देते। अरे आदत नहीं होने पर भी मैंने कर लेना था घर का काम, लेकिन क्या करूं, ताकत ही नहीं है। वो जी इस तरह है कि तू मत बोल रोशन। नहीं नहीं, खूब बोलो खूब बोलो। जब तक मेरे बेटी जवाई नहीं आ जाते, जितना जी चाहे सुना लो। हाँ, उनके आने के बाद तो बस आपने ही सुनानी है। तभी तो तुम लोग उनको ढूंढवाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। देखो जी, आप दिल दुखाने वाली बात तो मत करो। कोई कसर नहीं उठा रखी उन्हें ढूंढने में। ढूंढना कैसा, वो हिंदुस्तान में और उन्हें पता है कि हम दिल्ली में, वो खुद भी तो आ सकते हैं। मेरे को तो आज पता चला कि कितना धोखा हो रहा है मेरे साथ। रेफ्यूजियों की नई लिस्टें बन गई, लेकिन ये लोग उन्हें देखने नहीं गए। मैंने कहा कि मेरा नाम देख के रेडियो में अनाउंसमेंट करवा दो, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। कल करा देने। अब मेरे को तुम्हारे भरोसे नहीं रहना है। आप देख लेनी है लिस्टें और आप ही करवा लेना है रेडियो में अनाउंसमेंट। ये तो बड़ी खुशी की बात है, सेहतें बन जानी है आपकी। कच्ची दाल रोटी खा के बिगड़ गई है सेहतें। ऐसा खाना तो मुझे हजम भी नहीं होता। हराम की कोई चीज हजम नहीं होती। रोशन, ये क्या कहा तूने? माफी मांग। इतनी सारी गालियां तो दे ही चुकी है मेरे वास्ते, आज मेरे को हरामखोर भी कह दिया। मांग माफी। माता जी, माफी तो हमने मांग लेनी है, लेकिन आप मुझसे भी कहो, इतना तीखा तो ना बोला करें। गलती तो मेरी है कि मैं इनके यहाँ आई। हराम खोर तो कहना ही था, हराम की औलाद पालने वालों ने। और ज्यादा बकवास की तो मारा ही बच्चे। मारो मारो, सब मिलके ले लो मेरी जान। कोई बात नहीं हुई जी, आप लोग आराम करो। नहीं नहीं, देखो देखो, पहले ये सब मारते हैं, फिर रोने भी नहीं देते। बहन जी, मेरी एक बात सुनो, फिर बेशक रोते रहना। जब आप यहाँ आए थे तो मैंने इसी ख्याल से आपको यहाँ रहने दिया था कि आप बहुत मुसीबत में हैं। रिश्ते की नजाकत को भूलकर बेटी के ससुराल में रहने आई हैं। रिश्ते की नजाकत मेरे को समझाने चले हैं? मजाल है जो लाहौर में मैंने इनके घर झांका भी हो, उल्टा इनके पुत्र और पोता पोती को अपने यहाँ पाला है। कोई एहसान नहीं किया है मेरे पुत्र को मेरे से अलग करके। एक पुत्र तो छीन ही चुकी हो, अब दूसरे पुत्र को छीनने की कोशिश मत करो। ये मेरे को हरामखोर कह ले तो कोई बात नहीं, मैंने एक सच कह दिया कि सतबीर इनका अपना पुत्र नहीं है, तो माँ बेटे मेरे को मारने चल पड़े। अगर सतबीर के बारे में एक लफ्ज और कहा तो मैंने आपका सामान बाहर फेंकवा देना है। ये तो कई लफ्ज ज्यादा बोल चुकी है, चलो यहां से। मेरे को मेरे बेटी जवाई को आ जाने दो, फिर मैं तुम सबको देख लूंगी। वो जरूर आ जाने हैं, क्योंकि मैंने खुद कोशिश की है उन्हें ढूंढने की। मैं अपना नाम बुलवाऊंगी रेडियो पे, उसे सुनकर वो आएंगे। इनका नाम सुना भी होगा तो कभी नहीं चले होंगे इस ओर। मेरी बेटी तो मेरी बेटी, आप इनका बेटा भी इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। खामोश। यही बुनियाद, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। लो जी, अब तो रेडियो पर आपका नाम आए हुए भी 4 दिन हो गए, बेटी आपकी नहीं आई। मोहब्बत कर क्या बेदखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कोई धोखा नहीं है, वो जरूर आ जाने हैं। हाँ, आप ना तो उन्हें याद करो और ना उन्हें रो, बस चादर मुंह से ढककर सो। जो मैंने तेरे को नहीं रुला दिया ना तो कहना। बदला वफा बेवफाई के सिवा क्या है। या निकल बेटी। अरे आ गए आ गए, मैं कहती थी ना जरूर आएंगे। तो चल। थैंक गॉड आप मिल गए मम्मी जी, थैंक गॉड। मेरे को तो लगने लग पड़ा था कि कहीं डैनी जी के साथ मैंने आपको भी ना खोल दिया हूँ। लोचन पुत्र, गिरधारी ने शिमले से निकाला तो मैं दिल्ली चली कि तू मिलेगी, लेकिन यहाँ सबसे पहले मिली एक जल्लाद जनानी जिसने घर का काम करवा करवा के मुझे बीमार कर दिया, और उसके बाद मिली तेरी सासू जी, उनके बारे में तो मुझसे ज्यादा तू ही जानती है। मैं तो सारे रास्ते आपको ढूंढती ढूंढती आई, पास में पैसे भी नहीं थे, बड़ी तकलीफ थी जी। मैं तो तब भी कह रहा था कि फौरन दिल्ली चलो,
यहाँ आते तो मम्मी जी मिल जाती। तुम अपने माता जी की वजह से कह रहे थे, मेरी मम्मी जी की वजह से नहीं। प्राय जी को अपने माता जी की फिक्र होती तो उन्हें छोड़ के शिमले जाते। वहां गई भी कब, जब डैडी जी गुजर चुके? यही तो आप लोग चाहते थे। पहले आ जाते तो डैडी जी तेरा और मेरा हिस्सा रखवा पाते। तू नहीं आई तो तेरे सौतेले भाई भड़काते रहे, हजम कर गए हमारे हिस्से का सब कुछ। अब मेरी ये हालत है कि बेटी के ससुराल में रहना पड़ रहा है और बेटी के सासू जी से इतना कुछ सुनना पड़ रहा है कि शायद मेरी बेटी ने भी कभी नहीं सुना होना है। प्राजी, आपने भरजाई जी के माता जी का ही टुकड़ा सुनते रहना, अपनी माता जी के बारे में कुछ नहीं पूछना। माता जी कहाँ है? माता जी लोगों के घरों में कपड़े धोने और बर्तन मांजने जाती हैं ताकि आपके सासू जी को सुबह चाय पिला सकें और शाम को पूरी सब्जी खिला सकें। चाचा जी, मैंने भी पूरी सब्जी खानी है। थोड़ा सबर कर ले कुकी, दादी आएगी तो रोटी बनाएगी। रोशन, ये अठन्नी पकड़ और बच्चों के लिए कुछ लिया फटाफट। अब तक तो आप यही कह रही थी कि आपके पास जहर खाने वास्ते पैसे नहीं है, अपना सारा खर्च हमारे माता जी से कराते रहे। अभी हम आके बैठे भी नहीं और इन्होंने हमारे माताजी तुम्हारे माताजी शुरू भी कर दी। यहाँ बच्चों के खाने के वास्ते कहाँ मिलेगा? मैं ले आता हूँ। कौन आया? भूषण। भूषण पुत्र, तेरी पनी माताजी। तू कहाँ रह गया था पुत्र? हमने तेरे को शिमला चिट्ठी लिखी, रेडियो पर दो बारी अपना नाम पता भी बुलवाया। बुलवाया होता तो हम नहीं सुनते, मेरी मम्मी जी ने ब्रॉडकास्ट करवाया तो कैसे सुना। कमजोरी तो हर इंसान में होती है बीबी रानी, मेरे में भी होनी है जरूर, लेकिन झूठ तो मैंने आज तक नहीं बोला। तो मेरी बच्ची ने आपको झूठी कब कहा? और मेरे कुकी और निक्का कैसे? प्यारी पलो करो बेटा। जीता रहे पुत्र। दादी, मुझे भूख लगी है। अरे बेटे, रोशन चाचा तेरे लिए कुछ लाने गए हैं। अरे मैं अभी बना देती हूँ कुछ फटाफट। माता जी, आर यू सपोज्ड टू लिव हियर? ओनली फॉर द टाइम बीइंग लोचन। गो टू द कैंप कमांडर एंड इंसिस्ट ऑन अ सेपरेट टेंट। बट लोचन, अलग क्यों रहना चाहती है बीबी रानी? साथ रहने के लिए इसमें जगह कहाँ है? नहीं भूषण पुत्र, तू अलग छोलदारी ले। ये तो 5 बंदों वाली छोलदारी है, अगर हमारा परिवार बड़ा हो गया है तो हम 8 बंदों वाली छोलदारी ले लेंगे। एक तो छोलदारी में रहो और वो भी शामिलात वाली। मैं तो ये चाहती थी कि जब तक तेरे पिताजी नहीं आ जाते हम इकट्ठे रहें। परदेश तो जा नहीं रहे बसने, आस पास ही किसी छोलदारी में रहेंगे। मैं चाहती हूँ एक घर हो, एक रसोई, मैं अपनी तरफ से सबको दाल रोटी खिला सकूं। रसोई तो फिर भी एक ही रहनी है। तू जा लोचन, भूषण के साथ बात करके आ कैंप कमांडर से। साथ रहे तो इन्होंने मेरे को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आना और सुन के सुलोचना ने भड़क जाना है। रोज रोज की लड़ाई से क्या फायदा। माता जी, जैसा तू ठीक समझे पुत्र। खुशखबरी सुनी? क्या? प्राजी और प्रजा जी आ चले। ये तो बड़ी चंगी खबर है। मैं तो आप जेबी से थोड़ी छुट्टी इस करके लेकर आया था कि प्राजी को ढूंढने जाऊं, वरना उनके सासू जी को हमेशा शिकायत रहती है। तो अब भी शिकायत कर रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। अच्छा, निके को भी खिलाना। निके, हाँ जी, आपने मेरे लिए क्या लाया? मेरे लाने की बारी कल आएगी। बच्चों, तुम्हारे वास्ते क्या लाए चाचा? पकौड़े। मेरे को भी दे। राजी प्रजा जी कहाँ हैं? कैंप कमांडर से मिलने गए। क्यों? अपने लिए नई छोलदारी नहीं लेनी उन्होंने? माता जी तो कहती थी कि मैंने सबको इकट्ठा रखना है। पास में ही रहने हैं पुत्र, रसोई एक रहेगी जिसे आप बनाओगे। क्योंकि प्रजा जी ने ना तो कभी खाना बनाया है और ना कभी घर का कोई और काम किया है। साथ रहने तो अपने घर का बाकी सारा काम भी करा लेना माताजी से। पुत्र, तू तो ऐसा नहीं बोलता था। माताजी,
मुझे बहुत खुन्नक आ रही है। उस दिन जो परजाई जी के माता जी ने कहा, आ लोचन सुन, किस तरह कोसते हैं तेरे मम्मी जी को ये लोग। भूषण पुत्र, मेरे को तो तू अभी ले चल नहीं छोलदारी में, मेरे को नहीं रहना है यहाँ। अलग छोलदारी मिली नहीं मम्मी जी। अलग ही रहने की जिद हो तो रब ने एक बहुत बड़ी आसमानी छोलदारी बना छोड़ी है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ भूषण, तुम्हारी। कोई बात नहीं, सब इसी में गुजारा कर लेने हैं। यही प्रमाण के लिए काफी है। आपके प्रार्थना पत्र पर मैं आदेश जारी कर रहा हूँ। कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए और ऑफिस लूडलो कासल में। थैंक यू सर। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल। एक और फुलका ले ले पुत्र। नहीं माता जी, मेरा दफ्तर दूर है, मेरे को देर हो जानी है। काम पर तो मैंने भी जाना है। कल ही हम तीनों भाइयों ने आपसे मिलकर कहा था, फिर भी आप सब घरों में मना नहीं करके आए। जब तक तेरे पिताजी लौटकर जिम्मेदारी नहीं संभाल लेते, तुम्हारी दाल रोटी के लिए मैंने नौकरी जरूर करनी है पुत्र। माता जी, आपके तीन पुत्र काम पर है और आप दूसरों के घर जाके जूठे बर्तन मांजो, ये तो कोई चंगी बात नहीं हुई। रब ने चाहा तो बर्तन मांजने से जल्दी छुटकारा मिल जाना है मेरे को। रिलीफ कैंप वाली विमला देवी को पता नहीं किधर से पता चल गया कि मैं मास्टर हवेली राम की घरवाली हूँ। कहने लगी, माता जी मैंने आपको बर्तन मांजने के लिए काम दिलाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगले ही हफ्ते किसी दफ्तर में लगा देना है। इतना रुतबा है तेरे पिताजी का? हाँ जी, इतना रुतबा है कि उनकी बीबी रानी इस छोटी सी छोलदारी में 8 और बंदों के साथ जमीन पर रुड़ रही है। बेचारी की सेहत खराब हो चली। सेहत की नजाकत तो आपसे विरासत में मिली है परजाई जी को। इस तरह की बातें बनाने से बेहतर है कि कोई अच्छा घर ढूंढो। सतबीर और मैं तो दिन भर दफ्तर में रह जाते हैं। अजी वो घर मैं कहाँ से ढूंढूं जिसमें जगह तो हो ज्यादा और किराया हो कम। मैं आज मम्मी जी के साथ जाके खुद ढूंढूंगी। माता जी, माता जी, माता जी, हम इतनी देर से बुला रहे हैं, आप रुकते ही नहीं हो। बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या हुआ? परजाई जी ने तेल मल दिया है सर में। तेरे परजाई ने मकान ढूंढ लिया है, बस अब हम वहां जा रहे हैं रहने को। और दूसरी खुशी की बात ये, विमला देवी ने मेरे को यहीं बच्चों को पढ़ाने का काम दे दिया है। लेकिन हम तो यहाँ से जा रहे हैं। तो क्या, जैसे तुम लोग अपने दफ्तर को जाते हो ऐसे मैं अपने स्कूल को जाऊंगी। ये आ गए अब इनसे पैकिंग करवाओ। अजय जी, ये तो आप सिर्फ अपना सामान पैक कर रहे हो, बाकी सामान भी बांध देते हैं। क्यों, उसकी क्या जरूरत है? यू मीन टू से एक बेडरूम वाले घर में ये सब लोग भी रहेंगे हमारे साथ? यहाँ भी तो इतनी जगह में ही रहते हैं। इस नरक से बचने के लिए तो कमरा ढूंढा है मेरी बच्ची ने। लेकिन लेकिन हम तो शुरू से दो कमरे वाले मकान की बात करते आए थे। लोचन, तुमने एक कमरे वाला कैसे लिया? आप तो कुछ ढूंढ नहीं पाए, मैं ढूंढ लाई तो नुक्ताचीनी करने बैठ गए। आप लोग सामान बांध दीजिए। भूषण, फॉर हेवन सेक्स, हम शादीशुदा है, हमारे कमरे में ये सब कैसे रहेंगे? जैसे आपकी माता जी रहेंगी। तुम्हें तो मेरी मम्मी जी खटक रही हैं। लोचन, समझने की कोशिश करो, इस दौर में मुसीबतें मुस्कुराते हुए झेलेंगे तभी दिन कटेंगे। मेरी बला से आप लोग तब तक मुस्कुराते रहो जब तक मुंह टेढ़ा ना हो जाए, मैं तो इनके साथ रह नहीं सकती। भूषण पुत्र, तू जा लोचन को समझा, उसने कुछ ऐसे वैसे कर लेना है गुस्से में। जा पुत्र। लोचन, लोचन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे को अब कुछ नहीं सुनना। मेरे को हेम मिला था, वो यहीं आ गया है ऑल इंडिया रेडियो में। जितनी खुशामद तुम्हारी करनी पड़ती है उससे कम में तो अगले ने मेरे को वहां जॉब दिला देनी है, फिर मम्मी जी और मैं उस कमरे में रहेंगे। यू मस्ट बी जोकिंग लोचन, तुम्हें पता है मुझे हेम से कितनी नफरत है।
जब तुम मेरे को अपनी वाइफ की तरह मानते ही नहीं, तो मेरे लिए क्यों जरूरी है कि मैं तुम्हारी दोस्ती दुश्मनी का ख्याल करूं? मैं कल ही जाऊंगी हेम के पास। And now will you please leave me alone? I can't do that. Mataji. क्या बात है पुत्र? प्राजी जुमला पूरा करते हुए शर्मा रहे माता जी। प्राजी मैं पूरा करता हूं। माता जी प्राजी ये कहना चाहते हैं कि मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे और मेरी प्यारी प्यारी सासू जी अलग रहने जाना चाहते हैं। जरूर जा पुत्र। जिस वजह से मैंने तेरे को लाहौर में अलग गृहस्थी बसाने दी थी उसी वजह से यहां भी बसाने देती। जा। माता जी लानत भेजो इनके एक बेडरूम वाले घर को। माता जी मैंने आपके वास्ते इसी दिल्ली में इनके एक बेडरूम वाले घर के सामने महल बना के देना। माता जी महल बना के देना। इस रोशन को तो हमेशा किसी करोड़पति की बेटी की तलाश रहती है। अब जिससे रोशन टकराया है वो करोड़पति की इकलौती बेटी है। बात यह है कि मैं यहाँ नया हूँ, आपके फादर को जानता नहीं हूँ। वो तो अक्सर यहाँ आते हैं। आए तो बोलना कि आपकी बेटी निवेदिता आपको ढूंढ रही थी।